when lemons connected with zinc plate and copper called electrodes, and due to this electrodes a lemon gains electrolytic properties, and due to this electrolytic properties lemons transfer the current through zinc plate and copper wire, and then the LED bulb glows. और हम जानते हैं लेमन जो है हमारा सिट्रिक एसिड कंटेन करता है जिसका pH 2 से 3 के बीच में लाई करता है। pH यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन। लेमन्स का pH 2 से 3 के बीच में लाई करता है, यानी कि हम कह सकते हैं लेमन्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लेमन्स में हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और इसी कारण लेमन जब जिंक प्लेट और कॉपर से कनेक्ट होता है तो हमारा LED बल्ब ग्लो करने लगता है। और ये लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब यानी कि LED बल्ब तब तक ग्लो करेगा जब तक हमारा लेमन्स का pH इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं हमारा लेमन्स का pH 2 से 3 के बीच में लाई करता है। 2 से 3 के बीच में कहाँ पे लाई करता है ये हमको अप्रोक्सीमेटली नहीं पता है, इस कारण हम LED बल्ब तब तक ग्लो करेगा जब तक हमारा लेमन्स का pH इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमारा LED बल्ब ग्लो करता रहेगा। और जब सारे लेमन्स का pH सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब हमारा LED बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। और जब हम pH स्केल से लेमन्स का pH चेक करेंगे तो सारे लेमन्स का pH इक्वल होगा। और एक बात और, हमारा जो लेमन जो है 0.906 पोटेंशियल वोल्ट सप्लाई करता है जिंक प्लेट और कॉपर के थ्रू, ये बात हमें तब पता चलेगी जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे हमारा लेमन जो है कितना पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है जिंक प्लेट और कॉपर के थ्रू, तो हमें पता चलेगा 0.906 वोल्ट पोटेंशियल लेमन सप्लाई करता है LED को जिंक प्लेट और कॉपर के थ्रू।